पहेली का नाम बित्तो था। एक दिन किसान ने बित्तो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तभी वहाँ एक शेर आया और उसने मुँह से कहा, किसान अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बित्तो ने पूछा, फिर तुमने क्या कहा? तुम यहीं रुको, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ, अगर तुम बैल खा लोगे तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। यह सुनकर बित्तो ने गुस्से में किसान को फटकार लगाई और कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? घर की गाय शेर को देते, अगर गाय चली गई तो घर में न दूध न लस्सी बचे, रोटी किससे खाएंगे? मैं वो, तभी बित्तो को एक तरकीब सूझी। उसने किसान से कहा, तुम अभी खेतों में जाओ और शेर से कहो कि मेरी बित्तो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। किसान डरता डरता शेर के पास जाकर कहता है, शेर राजा, मेरी गाय तो बहुत मरियल है, उससे तुम्हारा कुछ नहीं होगा, मेरी बीवी तुम्हारे लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। अच्छा, बित्तो ने अपने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में दराती लेकर घोड़ा दौड़ाती हुई खेत में पहुंची। शेर को देखते ही बित्तो किसान से कहती है, अरे किसान, तूने तो कहा था कि तूने चार शेरों को पास रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? क्या? इतना कहकर बित्तो घोड़े से उतरकर दराती हाथ में लिए शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफी है। इतना सुनते ही शेर डर के मारे थर थर कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। यह देखकर बित्तो किसान से कहती है, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत, तुम तो घर की गाय देने चले पड़े थे। उधर शेर का भूख से बुरा हाल था। एक भेड़िए ने आकर पूछा, महाराज क्या हुआ, आज अब बहुत उदास है। आज ऐसी राक्षसी से पाला पड़ा जो सुबह नाश्ते में चार शेर खाती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा क्योंकि उसने सुबह झाड़ियों में छुपकर सारा तमाशा देख लिया था। वह शेर से कहता है, भोले बादशाह, वह तो बित्तो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया। आप फिर से जाओ और अगर इस बार पैर आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। बहुत कहने सुनने पर शेर फिर से जाने को तैयार होता है। शेर भेड़िए से कहता है, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो, दोनों मिलकर खेत में एक साथ चलते हैं। किसान शेर के साथ भेड़िए को देखकर डर से कांपने लगता है, लेकिन बित्तो बिल्कुल नहीं घबराई। बित्तो भेड़िए से कहती है, प्यारे भेड़िए, तू तो वादा करके गया था कि अपनी पूंछ के साथ चार शेरों को बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो एक ही लाया है, वो भी मरियल सा है, इस वक्त यही सही। इतना सुनकर शेर के होश हवास उड़ जाते हैं। उसे लगा भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया और वह बिना कुछ सुने वापस भाग जाता है। भेड़िया चिल्लाता रह जाता है। बित्तो और किसान खुशी खुशी आराम से रहने लगते हैं।